हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। अगर आपने बैटमैन मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आपको ये बैटमैन मूवी देखनी चाहिए या नहीं थिएटर में, तो मैं सभी चीज के बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो नंबर वन इंट्रोडक्शन, मिड का पार्ट और एंडिंग। तो इस मूवी में क्या खासियत है जो कि आपको इस मूवी को थिएटर में देखना चाहिए, तो प्रॉपर एक रिव्यू देंगे और कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा, तो आप भी इस वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप ऐसा गलत कर रहे हो और गलत सोच रहे हो। नंबर वन, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी अगर OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो हम तब देख लेंगे, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी ऑनलाइन रिलीज हो जाए HD में तो उसको TV पे देख लेंगे 32 इंचेस, 50 इंचेस पर या फिर 24 इंचेस पर, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे घर पे तो यार 5.1 सिस्टम लगा हुआ है, मूवी जब प्रॉपर रिलीज हो जाएगी तो उसको Blu-ray में डाउनलोड करके देख लेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। ये मूवी सिर्फ थिएटर के लिए बनी है और थिएटर में ही देखनी है आपको। DC जब बैटमैन के फैंस हैं वो तो इस मूवी को देखेंगे, जो मार्वल के फैंस हैं मैं उनको स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो भी इस मूवी को जाके देखें, क्योंकि मूवी में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि मुझे दिखी हैं और शायद मेरे हिसाब से आपको इस मूवी को देखना चाहिए थिएटर में। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फिलहाल आपने अब तक की जितनी की बैटमैन मूवीज देखी है, जिसमें कि डार्क नाइट की बात कर लो, माइकल कीटन की बैटमैन मूवी की बात कर लो, या फिर बात कर लो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की, तो अब तक जितनी बैटमैन के कैरेक्टर और बैटमैन की स्टोरी हमें देखने को मिली है, ये मूवी उन सबसे ऊपर लेवल की है और बहुत ही अलग है। और इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो भाई रॉबर्ट पैटिसन, जिन्होंने बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करा है इस मूवी में, उन्होंने अपने एक अलग ही टेस्ट डाला है। फिलहाल उनको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी स्टार्टिंग में कि यार वो उनको कॉपी कैसे करेंगे या फिर वो इस कैरेक्टर को फॉलोअप कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैटमैन की मूवीज काफी सारी आ चुकी हैं जिसमें कि माइकल कीटन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे में नए बैटमैन को इंट्रोडक्शन करना और एक नई स्टोरी को इंट्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, पर इस मूवी को देखने के बाद और रॉबर्ट पैटिसन को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये शायद DCU का हिस्सा नहीं है। ये मूवी एक्चुअल में लग रही थी कि हम बैटमैन की मूवी देख रहे हैं। अगर आप एक कॉमिक बुक फैंस हो और आप एक कॉमिक बुक पढ़ने वाले हो तो आपको इस मूवी को देख के रियलाइज होगा कि एक्चुअल में बैटमैन तो हमें ये देखने को मिला है। और सीरियसली रॉबर्ट पैटिसन का जो इंट्रोडक्शन दिखाया गया है इस बैटमैन कैरेक्टर का, वो बहुत ज्यादा कमाल का है। गौतम में जो विलेंस है, जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, उनका जो खौफ है बैटमैन के लिए, अगर आप एक कोना देख रहे हो उसमें अगर अंधेरा है और आप कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको हर एक कोना देख के बैटमैन की याद आनी चाहिए, इस मूवी ने हमें वो दिखाया। ये मूवी एक ऐसी छाप छोड़ती है मूवी देखने के बाद कि आपको एक साल तक याद रहेगा कि DC सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक मूवी आई थी द बैटमैन, उसमें वो सीन बहुत ज्यादा कमाल का था। तो ये मूवी ऐसी छाप छोड़ती है इंट्रोडक्शन में। साउंड क्वालिटी की बात करी जाए, डार्क थीम की बात करी जाए, तो बहुत कमाल का था और साउंड क्वालिटी ऐसी थी कि आपके रोंगटे खड़े कर दे। हर एक मोमेंट ऐसा था कि थिएटर में गूंज रहा था। फिलहाल तो थिएटर खाली था जब मैं गया था, पर शायद उससे तो नहीं गूंज रहा था, पर भाई कमाल का था और मैं तो खुश हो गया साउंड क्वालिटी को देखकर, मूवी के हर एक सीन को, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का था। अब इस मूवी को वो लोग भी ये सोच के ना देखें कि इस मूवी में बहुत ज्यादा VFX होगा, एक्शन सीन होंगे, फाइटिंग के सीन होंगे, हैं, पर एक कह सकते हो एक लेवल पे है जो कि आपको जब जब वो मोमेंट आएंगे फाइटिंग के सीन, तो आपको रियलाइज होगा कि इस सीन पर जो फाइटिंग का सीन है वो एकदम फिट बैठ रहा है। कोई एक्स्ट्रा सीन नहीं है, कोई ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं है। मूवी मिड आते आते, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा लॉन्ग है, 2 घंटे से ज्यादा की मूवी है, और मूवी का जैसे मिड में पार्ट आता है तो मेरे को थोड़ी बोरियत सी लगती है, पर हाँ मूवी जैसी बोरियत वाला थोड़ा हल्का सा पार्ट आता है फिर एकदम मूवी ग्रो पकड़ लेती है, और एंडिंग में आते आते मूवी ओवरऑल बहुत ज्यादा कमाल की हो जाती है। और एक मोमेंट तो ऐसा आता है, क्योंकि मैं मूवी को बहुत ज्यादा दिल से देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और हल्का सा जब वो आइकॉनिक मोमेंट आता है कि बैटमैन हाथ में किसी को पकड़ के लेके जा रहा है और सूरज पीछे से है, वो सीन, और लोग जब उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, तो वो गाइस सीन बहुत ज्यादा कमाल का होता है। और मैं खुश हूं कि फाइनली DC ने एक ऐसी तो मूवी बनाई जो कि लोगों के मन में छाप छोड़ सके, जैसे कि मार्वल्स करता है। मार्वल की मूवी आ रही डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसके लिए भी काफी सब एक्साइटेड है, और अब शायद मुझे लगता है कि DC जब तक वो मूवी रिलीज होगी तब तक लोगों के मन में बैटमैन की छाप बनी रहेगी। जी हाँ, तो ये मूवी ऐसी है, और इस मूवी में आपको बहुत बड़ा कैमियो देखने को मिलेगा। एंडिंग बहुत ज्यादा कमाल की है, मूवी के सेकंड पार्ट की भी बहुत बड़ी हिंट दी गई है, तो सेकंड पार्ट कब रिलीज होगा मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जो भी अगर अपडेट पता चलेंगे उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ओवरऑल मूवी का साउंड, डार्क थीम, मूवी में बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, मूवी की जो लेंथ है वो सब एकदम परफेक्ट है, कमाल की है, और मूवी थिएटर में देखने लायक है। आप एक शो तो डेफिनेटली देखिए। अगर जो सोच रहा है कि नहीं यार नई मीडियम है, डाउन है, किसी की बातों में मत आओ भाई, एक शो तो देख के आओ अगर आप एक DC फैन हो तो, नहीं हो तो भी देखो।
बहुत ज्यादा कमाल की मूवी है। उसी के साथ गाइस आज के लिए वीडियो बस यही एंड करते हैं। और बात करी जाए रेटिंग्स की, तो 5 में से 4 रेटिंग्स देना चाहूंगा। मूवी मुझे बहुत कमाल की लगी। 1 स्टार इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मूवी की जो लेंथ है, अगर उसमें से कुछ सीन कट होते तो ज्यादा बेटर होता, पर ओवरऑल सही था। तो आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपने अगर ये मूवी देख ली है तो अपने रिव्यूज भी जरूर बताना, जिससे कि मैं उनको पिन कर सकूं और एक हार्ट दे सकूं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जा रहा हूं।